हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्र स्पेशल। आज हम आपको बताएंगे कि व्रत में आपको साबूदाने के कटलेट किस तरह और कैसे बनानी चाहिए, जो बहुत ही इजी तरीके से बनकर तैयार होती है और खाने में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इससे बहुत ही जल्द पेट भर जाता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने लिया हुआ एक हाफ कटोरी साबूदाना। तो इसे हम पीस कर इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पीस लिया है। आप देख सकते हो मैंने इसका बहुत ही फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है, बिल्कुल आटे जैसा। और इसे हम डाल लेंगे अपनी खाली प्लेट में। और फ्रेंड्स, ये लिए हमने कुछ धनिया पत्ती, पुदीने की पत्ती और ये छोटी अदरक। और फ्रेंड्स, ये 2 से 3 हरी मिर्च। तो अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसका एक दरदरा पेस्ट बनाऊँगी। उसके लिए मैं इन्हें मिक्सी में ग्राइंड करने की जगह इस छोटे से सिलबट्टे में पीस लेती हूँ, क्योंकि हमें इसका मोटा मोटा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने अपने साबूदानों को पीस लिया है। और अब मैंने अदरक मिर्च और धनिया का पेस्ट है वो अब इसमें डाल लेती हूँ। तो देखिए, धनिया मैंने थोड़ा सा मोटा काट भी लिया है ताकि ये दिखने में अच्छा दिखे इसके अंदर। और फ्रेंड्स, अब इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा जीरा, हाफ टी स्पून जीरा इसमें जाएगा। मैंने ये हाफ टी स्पून जीरा डाल दिया। अगर आप जीरे को साबुत पसंद नहीं करते हो तो आप कट करके भी इसे यूज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अब हम लेंगे आलू, ये मैंने बॉयले डाल लिए हैं, इन्हें हम इसमें क्रश कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 से 4 आलू इसमें क्रश कर लिए हैं, आप देख सकते हो। आपको इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है, सिर्फ यही आलू से ही काफ़ी अच्छा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसे चारों तरफ से अच्छे से साफ कर लेते हैं और इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए, आपको जिस तरह आटा गुंथता है इसी तरह इसे तैयार कर लेना है अपने इस डो को। फ्रेंड्स, व्रत में हम एक ही चीज़ बार बार बनाकर नहीं खा सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको अलग अलग रेसिपी बता रही हूँ। आपका जो मन करे वहीं आप इसमें से खा सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका बहुत ही अच्छा डो तैयार कर लिया है। अब इस डो को आपको इसमें ट्रांसफ़र करना है। आपके पास प्लेट या फिर इस प्रकार का कोई भी बर्तन हो तो आप उसमें रख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार का मैंने एक बर्तन ले लिया है। इसी के अंदर अब हम थोड़ी सी चिकनाई लगाएंगे, चारों तरफ से इसे चिकना करेंगे और इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इस प्रकार इसे और अच्छे से इसे दबा कर इसे चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। फ्रेंड्स, यह है मेथड, बिल्कुल आटे जैसा हो जाता है, जैसा आप आटा गूंथकर तैयार करते हो इस प्रकार तैयार हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इस प्रकार इसे चारों तरफ फैला लिया है। तो शेप आप इसकी कोई भी काट सकते हैं, जिस प्रकार आपका मन करें। आप चाहो तो इसे 2-4 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसे बिना ही फ्रिज में रखी इसी तरह से इसकी कटलेट बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने इस प्रकार का ये मिठाई वाला खाँचा लिया हुआ है और इसी से मैं इसमें शेप दूँगी और इसे निकाल लूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप बनाना चाहो तो इससे बना लीजिएगा, वरना आप इसकी कोई भी शेप बना सकते हो। तो देखिए, मैंने इस प्रकार इसे बनाकर निकाल लिया है। चारों तरफ से आप इसे इस प्रकार बनाएंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। तो देखिए, इस प्रकार का मैंने दूसरी प्लेट भी ले ली है और इसमें धीरे धीरे हम सभी को इसमें रख लेंगे। मैं आपको इसकी 2 शेप बनाकर दिखाऊंगी, जो भी आपको पसंद हो उस प्रकार आप बना सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, इस प्रकार अगर आप बनाओगे तो इसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचेगा वो ख़राब होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने गोलाकार में अपनी कटलेट कट कर ली हैं और इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो धीरे धीरे हम इसे इस प्रकार हिलाते रहेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हल्का हम इनका ब्राउन कलर कर लेंगे, ज़्यादा इन्हें नहीं पकाना है या फिर ज़्यादा इसे ब्लैक मत कीजिएगा, ये साबूदाना है। तो धीरे धीरे हम इसे इसी तरह पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी व्रत वाली साबूदाने की कटलेट बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो
यह गोल आकार में कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी कभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएँ ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, नवरात्रों में आप साबूदाने की कटलेट एंजॉय कीजिएगा। तो फ्रेंड, अगली न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।